नमस्कार, जोहार, आदाब। हम अभी ठीक उसी जगह हैं जो कि ये हसडीहा से गोड्डा जाने वाली मुख्य मार्ग है, और हम देख रहे हैं कि ये गांव जो है बारीडी है, और हम देख रहे हैं कि श्रीमद श्री श्री 1008 श्री महाविष्णु पुराण यज्ञ स्थान बारीडी विष्णु धाम। ये विष्णु धाम के नाम से है, और यहाँ जो है कि यहाँ के जनताओं ने यह मन बनाया कि हम इस क्षेत्र को पाप मुक्त और पवित्र करने के लिए हम 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक के बीच में हम यहाँ कथा का शाम में कथा का संचालन होगा, और सुबह में यज्ञ का संचालन होगा। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, और इन सभी ने यहाँ रणनीति बना रहे हैं कि क्या कैसे करना है, नहीं करना है। ये सभी बैठे हैं, हमारे साथ हमारे बाबा भी हैं जो यज्ञ संचालक है, और इस गांव के प्रधान श्री टुनटुन जी भी हैं। अब हम जानने का इन्हीं से प्रयास करते हैं कि ये आप लोग का विस्तृत कार्यक्रम है क्या, कैसे है, किस विधि विधान से है। और हम देख रहे हैं कि उधर आपका मूर्ति भी बना हुआ है, प्रतिमा भी है, और 2 अप्रैल को इसका शुभारम्भ है। पहले हम टुनटुन जी से पूछते हैं जो कि यहाँ के प्रधान हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर आपके द्वारा आपके तत्वाधान में इस कमेटी के आप मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, और आप ये संचालन किस प्रकार करेंगे। टुनटुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जोहार न्यूज़ में, और हम ये देख रहे हैं कि आपका जो है कि ये 2 अप्रैल से कैसे कार्यक्रम है, ये कृपा करके आप विस्तृत कार्यक्रम को हमारे दर्शक को बताने का प्रयास कीजिए। टुनटुन जी, यहाँ पर 2 तारीख से प्रतिपदा है, जल यात्रा आह्वान है, हवन पूजन है। 3 तारीख को फिर द्वितीय पंचांग का पूजन है, आह्वान है, हवन है। फिर 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, 6 को है, 7 को वैदिक पूजन है, आह्वान है, हवन है, और 7वीं को वैदिक पूजन, हवन एवं पूर्णाहुति, ब्राह्मण भोज, भंडारा। भंडारा ऐसे प्रत्येक दिन होगा। अच्छा, ये आप इस ये यज्ञ कुंडली ये बारीडी के आप क्या है, उस ये इस समिति के क्या है? ये समिति का हम अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है। हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन जी। और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि और सब भी ग्रामीण हैं, और सबसे प्रमुख बात ये है कि यहाँ पर हमारे यज्ञ संचालक स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज बैठे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य अगर अपने जीवन में यज्ञ में आहुति दे देते हैं तो उसको किन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, आखिर उससे क्या लाभ है। आइए अब हम बाबा जी से बात करना चाहते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। ये आप यज्ञ मंडली के संचालक हैं, तो यज्ञ करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, किन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, कृपया करके आप विस्तृत हमारे दर्शक को बताएं। ये यज्ञ जो है विश्व कल्याणार्थ होता है। जी जी जी। आज जितनी आपदाएं विदेश में आती है, हमारे भारतीय लोग उनसे अलग हैं। ये यज्ञ के यज्ञ करने का मुख्य कारण ये है कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, जब से हमारा देश भारत सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा, विदेशी गंदगियां आकर के हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र को गंदा कर दी। इन्हीं दूषित परिणामों से बचाने के लिए मुझसे पूछा लो कि कोरोना क्या है। कोरोना प्रकृति को बैलेंस बना के चलती है, कोई भी प्रकृति बैलेंस बना के चलती है। ये प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए ये इस गांव के लोग धन्य हैं, यहाँ के लोग पुण्यात्मा हैं, जो ऐसे शुभ अवसर पर भगवान नारायण के विष्णु महायज्ञ का आयोजन इन लोगों ने विश्व कल्याणार्थ करने का आयोजन किया। अच्छा, यज्ञ का जो संचालन आप करते हैं उसमें किन किन विधि विधानों का ध्यान रखना पड़ता है? इसमें पंचांग पूजन मुख्य होता है, अरणि मंथन, काष्ठ से काष्ठ को घर्षण करके अग्नि देवता को बुलाई जाती है, और तब उसमें हवन आहुति दी जाती है। इसमें 4 घंटा पूजन चलेगा, 33 कोटि देवी देवता का 4 घंटा पूजन और 4 घंटा हवन। हवन क्या है, हवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भी एक आहुति ही है, हवन ही है। उसी तरह से भगवान को हवन हम लोग देते हैं वो अग्नि के जिह्वा पर हवन देने से सभी देवी देवता को प्राप्त हो जाता है,
और हवन आहुति के द्वारा जो धुआं उठता है वो सुरक्षा कवच के तरह पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी लोग पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। अब इसमें भागवत से कथा होगी, अर्पणा गर्ग पांडे जो वृंदावन से बनारस से आ रही हैं, उनका शब्द जितना दूर तक जाएगा, जो कीड़ा मकोड़ा जिया जंत सब लाभान्वित होंगे, विश्व कल्याणार्थ ये यज्ञ होता है, सतयुग द्वापर त्रेता का चीज है और आज कलयुग में यहाँ के लोग धन्य हैं, पुण्यात्मा है, हमारे सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी के पुण्य के प्रताप से ही ये यज्ञ का आयोजन हुआ। परमात्मा किसी को सन्मुख आकर के नहीं बोलते, वो किसी के कंठ में प्रवेश करके बुलवा देते हैं। और धन्य है हमारे प्रधान जी और यहाँ के प्रधान जी के सानिध्य में रहने वाले लोग, और धन्य है इनकी माँ जो ऐसे पुत्र को पैदा की। नहीं तो सब तो पुत्र ही पैदा करते हैं, लेकिन मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इस कलुषित कोलाहल में, इस कलह के योग में, इस कलयुग में इस तरह का अपने हृदय में परमात्मा के प्रति जो शरणागति का भाव इन्होंने दिया, ये भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य है। चलिए, ये यज्ञ का समय बाबा क्या रहेगा इसमें? यज्ञ का समय रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक पूजन चलेगा, उसके बाद 2 घंटा विश्राम, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आहुति, आरती और पुष्पांजलि। कथा का जो समय है, कथा का क्या समय है बाबा? कथा का समय 7 बजे से 10 बजे तक, रात तक 10 बजे रात, 10 बजे रात तक, जब तक जनता रहे कथा बंद नहीं होगा। चलिए।